हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंस्टेंट कॉफ़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो इसमें ना तो आपको कॉफ़ी मशीन की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा वक्त चम्मच घुमा के अपने हाथों की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने एक कप दूध लिया है और आधी चम्मच मैंने क्रीम ली है। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे झाग बनेंगे हमारी कॉफ़ी में, बहुत ही टेस्टी बनेगी कॉफ़ी। तो ज़रूर आप क्रीम को ऐड करिएगा। दूध को बॉईल आने के बाद में हम इसे छान लेंगे और हमें लेनी है कॉफ़ी, तो मैंने नेस्कैफे की यूज़ की है। तो 1.5 चम्मच चीनी ली है मैंने, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है। हैंड विस्कर की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। थोड़ा सा दूध हमें डालना है, लगभग 2 चम्मच के करीब दूध डाल लें और यूँ विस्क कर लें। तो अब आप देखिएगा कि कुछ ही सेकंड में बिल्कुल ये जो ग्लास है आधा हो जाएगा झाग से। बहुत ही इजी है दोस्तों। तो लगभग 1 मिनट के करीब ही मैंने इसे विस्क किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में कितने झाग बन चुके हैं और 1 मिनट में कॉफ़ी बन जाएंगे। तो आपके मूड की भी बैंड नहीं बजने वाली है, क्योंकि कॉफ़ी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। जो प्रॉपर कॉफ़ी हाउस में जो आप पीते हैं, अगर उस टाइप की चाहिएगा तो घर पे बनाते बनाते बहुत समय लग जाता है। और हर किसी के घर पे कॉफ़ी मेकर नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत ही इजी और टेस्टी बनेगी, यकीन मानिएगा। तो ये देखिए हमने विस्क कर लिया है, तो जो दूध बाकी का बचा हुआ था उसे भी हम विस्क कर लेंगे। और इस तरीके से जब हम करेंगे तो बहुत प्रॉपर झाग बनेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है, हाथों की भी बिल्कुल बैंड नहीं बजने वाली। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में कितने झाग बन चुके हैं। तो चलिए अब कॉफ़ी मग में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो झाग धीरे से बचा के रखिएगा ताकि ऊपर हम डालेंगे तो स्लोली डालना है हमें। दूध को भी मैं इसी में डाल लेती हूँ और ये सारा मिक्सचर हमने डाल लिया। और देखिए हमारी जो कॉफ़ी है बिल्कुल रेडी है ना, बहुत ही इजी और सुपर। तो फटाफट इस तरह की इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। इस तरीके से हल्का सा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल करके हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं।